हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि सैमसंग A03s जो कि मोदी जी का फ़ोन है, इसमें आप किसी भी एप्लीकेशन को हाइड कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, तभी आप अपने फ़ोन की ऐप को हाइड कर सकते हैं। स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। दोस्तों, हमें अपनी फ़ोन की सेटिंग ओपन करनी है। सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च बार पे आपको सर्च करना है होम स्क्रीन सेटिंग्स। देख सकते हैं मैंने सर्च किया था यहाँ पे, जो कि आ चुका है। इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ऐप हाइड का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लॉक होम स्क्रीन लेआउट के नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर ऐप हाइड का ऑप्शन आ रहा है। इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपके फ़ोन की जितनी भी एप्लीकेशन है यहाँ पर शो हो जाएंगी। आपको एप्लीकेशन जो भी हाइड करनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कैलकुलेटर आप मुझे हाइड करना है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हिडन ऐप आ रहा है। तो दोस्तों, ऐप हाइड करनी है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटरफेस, यहाँ पे डन लिखा हुआ है, डन पे आपको क्लिक करना है। डन देख सकते हैं, यहाँ पर डन पर क्लिक करना है हमें। डन पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो वो एप्लीकेशन हाइड हो चुकी है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ होम स्क्रीन पे। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे वो एप्लीकेशन नहीं है, देख सकते हैं आप, हाइड हो चुका है। दोस्तों, अब इनको अनहाइड कैसे करते हैं दोस्तों, सेटिंग आपको फिर से ओपन करनी है फ़ोन की, फिर होम स्क्रीन सेटिंग्स पे सेटिंग सर्च करना है, फिर यहाँ पे देख सकते हैं ऐप हाइड का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं ये एप्लीकेशन अभी हिडन है, तो दोस्तों इस पर आपको क्लिक करना है। एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं दोस्तों, ये एप्लीकेशन यहाँ पे आ चुकी है। फिर यहाँ पे डन कर देंगे दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे डन करने के बाद आपको डन कर देंगे तो दोस्तों वो एप्लीकेशन शो हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे वो एप्लीकेशन यहाँ पे आ चुका है, देख सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन आ चुका है। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।